tari, junakadim 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 tari, लोगों में फिर जीत गया तो आज की ट्रीट तेरी हां ठीक है चले ओके नाउ लिसन टू मी सो समवन फाइनली अग्रीड टू मीट यू माय फादर यू स्टूपिड पता है आज सुबह निकलने से पहले डैड ने बोला कृतिक आओ बेटा आज शाम को निक को घर पे लाना इससे बात करनी है रेडी हो जा बेटा तेरा इंटरव्यू होने वाला पापा निक निक पापा इतना टेंस क्यों लग रहे हो तो मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल है बेटा कृतिका तुम जरा अपने कमरे में जाओ हम फ्यूचर सर इन लॉ के साथ थोड़ा गुफ्तगु बातें शातें करते हैं ओके पापा इतना भी कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है सर वो कृतिका बहुत बात कर रही थी आपके बारे में करेगी इतनी इज्जत जो कमाई है बातें तो करेगी जानते हो इसके अंदर क्या है ये वो लोग हैं जिनको कृतिका के साथ शादी करनी थी रदर करनी है बस सारे के सारे रिजेक्ट हो गए पता है किसने रिजेक्ट किया मैंने और पता है तुम्हें ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिला है क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी ने रिकमेंड किया है वरना मैं ऐसे ही किसी अरे गेरे को मेरे सामने खड़ा भी नहीं करता तुम तो फिर भी बैठे हो एक बात बताओ तुम्हें ऐसे क्या है प्लीज टेल मी व्हाई शुड आई नॉट रिजेक्ट यू सर इन सब एप्लीकेशन और मुझ में सिर्फ एक फर्क है कि आपकी बेटी इन सब से नहीं सिर्फ मुझसे प्यार करती है तुम जानते क्या हो कृतिका के बारे में उसके कपड़े देखे कभी एक बार कोई जींस पहनती है ना वो दोबारा उसको छूती तक नहीं है वो तुम्हारे तरह माथेरा महाबलेश्वर नहीं जाती वैकेशन मनाने मेरी बेटी ना छुट्टियों में फॉरेन ट्रिप करती है कर पाओगे तुम भी सबके बराबरी कोशिश कर सकता हूँ क्या 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 कोशिश कर लेके जा सकते हो उसको यूएस हाँ जा सकते हो उसको लेके लंदन हाँ बोलो ना क्या हो गया अब क्यों चुप हो गए बोलो That's better. लगता है बहुत जल्दी अकल आ गई राजो इसका भी नाम डाल दे रिजेक्टेड लिस्ट में एक मिनट पापा मैंने सब सुन लिया आप जानते क्या है निक के बारे में आप तो कभी इसके विंडो फेसिंग ऑफिस में गए ही नहीं और क्या आपने इसकी ऑफिस की दी गई नई फोर व्हीलर देखी जिसका प्राइस आपके बीएमडब्ल्यू से कहीं ज्यादा है ओ, पर आप निक से कैसे मिलेंगे क्योंकि निक से मिलने के लिए पहले उसके पीए से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ये है निक की सच्चाई पर ये तो निक की डिसेंसी है जो ये आपको बताना नहीं चाहता था पर डैड कितनी अफसोस की बात है कि आप भी पूरी दुनिया की तरह मनी माइंडेड निकले सॉरी निक एक सेकेंड पापा अब भी आपको कोई डाउट है हेलो हेलो बेटा निक मैं बोल रहा हूँ कैसे हो बस ठीक हूँ बस अच्छा बिजी हो क्या हाँ थोड़ा काम में हूँ ओके 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 मैंने ये बोलने के लिए फोन किया है कि कल शाम को मिलते रिंग का मेजरमेंट ले लेते और ना तुम्हारे सूट का मेजरमेंट भी ले लेते ठीक है ओके अंकल तो कल 5 बजे आ जाना ओके अंकल अंकल नहीं अब तो पापा बोलने की आदत डाल लो विंडो फेसिंग ऑफिस महंगी गाड़ी पर्सनल असिस्टेंट चला वो आंटी ओ बगुन उतरा हो क्या है वो चला 5 मिनट गाड़ी निकल लौकर करा लौकर
Hi guys, hope you like the video. So if you do, like, share, comment, subscribe, and don't forget to download Loco. It's a fun live quiz show app where you can play and earn real money. Bye. And action. अरे नहीं ये थाम काय करते हो तू साला और आप निक की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ बैठे अरे क्या है यार ये इतनी देर से आपकी इंसल्टिंग बातें सहन कर रहा है तो सिर्फ मेरे लिए हंस क्यों रहे हो